नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीजे बार वाले ट्रक ड्राइवर पर। सो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो का एंड किया था, उसमें बोला था कि हमारा गाड़ी श्रीनगर का भरने के लिए जा रही है मुंद्रा। तो श्रीनगर का भरने के लिए गई थी, भेजी थी हमने मुंद्रा, लेकिन दो दिन उधर खड़े रह कर ऑर्डर नहीं निकला, इसलिए मैंने वापस मैंने बुला ली घर पर ही। तो एक ट्रिप लिग्नाइट में राजकोट का लगा के आई हमारी गाड़ी, और अगली ट्रिप में भरने के लिए आया हूँ लिग्नाइट माता का मढ़ खान पे ही हूँ अभी। और ये देखिए नज़ारा खान का। तो भाई देखिए, ये रहा माता का मढ़ प्लॉट का नज़ारा, जहाँ मैं रात को आ गया था। और रात को हमारी गाड़ी का नंबर नहीं आया, इसलिए सुबह में अभी गाड़ी छोड़ रहे, नंबर आता है जैसे जैसे वैसे वैसे ही गाड़ी आती है। वहाँ पे देखिए, और ड्राइवर भाई सभी यहाँ पर खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी है सभी। देखिए, मैं रात को ही आ गया था इधर, इसलिए रात को वीडियो शूट नहीं की मैंने। और सुबह में अभी उठते ही देखिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया, ये खड़ा है हमारा गाड़ी। देखिए सभी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। आज की व्लॉग पूरी माता का मढ़ खान का जो जो सिस्टम है ऐसी व्लॉग आएगी। फ्रेंड्स देखिए, 140 गाड़ी भेज दी है, हमारी गाड़ी का नंबर आया 158। अरे मेरा पुराना साथी फ्रेंड अब्राहम भाई यहाँ पे बैठा है, देखिए बहुत सालों के बाद। अब्राहम तो भाई देखिए, पहले नंबर प्लॉट में से हमारी गाड़ी का नंबर आ गया। अरे देखिए, यहाँ पे गाड़ी वालों ने रोक देते हैं गाड़ी चाय पीने के लिए। तो मैं भी जा रहा हूँ, गाड़ी तो लाइन तो ब्रेक है, तो क्यों ना जाके चाय पी आए। तो भाई देखिए, वो प्लॉट में से निकलते एक एंट्री का पॉइंट आता है आगे, उधर एंट्री करवाया। और एंट्री करवाने के बाद ये देखिए खाली कांटा की लाइन, इधर हमारी गाड़ी का खाली कांटा होगा, खाली कांटे का लाइन है ये, इसमें पहुंचा है। तो आगे दिख रहा है कांटा है वहाँ पर। और ये देखिए लोड होके जो गाड़ी आती है उनका भी कांटा इधर ही है, फाइनल कांटा इधर ही होता है। वो तो देखिए खड़ी है लोडिंग गाड़ी। भाई दोपहर के 12:30 बज गए, अभी खाली गाड़ी की कांटे की लाइन चली नहीं है, कांटा बंद हो चुका है, पता नहीं क्या कर रहे, लंच बंच हो गया है शायद। खाली गाड़ी की लाइन चली नहीं है और करेली गाड़ी आ रही है बहुत, देख सकते हैं अब हम बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं खाली कांटे की लाइन में। देखिए पानी वाला आ रहा है, क्योंकि गाड़ी जाती है मिट्टी बहुत उड़ती है, इसलिए पानी छांट रहा है। देखिए वो टैंकर, और ये लोकल गाड़ी आए सांगी जेपी सीमेंट की कंपनी में चलने वाली। तो भाई देखिए, साल स्टील में खड़े है, हमारी गाड़ी का डीजल चोरी हो गया है। रात को मैं 1 बजे आके सोया था, और अभी देखिए हमारी गाड़ी की हालत क्या हो गई है, डीजल कैसे हमारी गाड़ी में चोरी किया। और हमारी अकेली गाड़ी का नहीं, और एक गाड़ी का भी चोरी कर दिया है पीछे हमारे से है वो, उसमें भी। देखिए ताला तो है हमारी गाड़ी में, लेकिन फिर भी ये खोल दिया है इधर से ही ढक्कन, इसको हटा के। ये देखिए निकाला है डीजल, इधर भी गिराया है सालों ने। और भी हमारे पीछे एक गाड़ी खड़ा है, उसका भी वही डीजल पूरा, उसका फुल टैंक था,
हमारा फुल था, फुल में राजकोट का एक ट्रिप लगाया है एमटी का, और बाकी का डीजल था लगभग 250 लीटर के आसपास था हमारी गाड़ी में। और इसका भी फुल था, पूरा खाली कर दिया है। सेम सिचुएशन, इसका भी ऐसे ही खोला है ढक्कन, ये देख सकते हैं। इसका भी ताला वाला सभी है, फिर भी ये ऊपर से खोल दिया है। ये इस भाई, इसका क्या ड्राइवर है ये भाई, अरे साल स्टील के देखिए, बिल्कुल गेट के सामने ही खड़ा है हमारा गाड़ी, फिर भी चोरी हो गया। हो रहा गेट, गेट के बिल्कुल सामने। इसका कुछ नहीं हुआ है, बच गया है। देखिए जस्ट गेट के सामने ही, ये पूरा इसका पार्किंग एरिया ही है। और देखिए वो गाड़ी आती है, वहाँ से उसका पार्किंग शुरू होता है। ऐसा नहीं हमारा गाड़ी हाईवे पे खड़ा है, पार्किंग में ही खड़ा है। तो भाई शाम हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हमारी दो गाड़ी ऐसे ही खड़ी है क्योंकि आज संडे है। और हमारे फ्रेंड जो आने वाले थे वो काम में थोड़े फंस गए, और फैक्ट्री वालों से बात की हमने गेट पर, गेट वाले कुछ हमें रिस्पांस नहीं दे रहे है। तो जब हमारे फ्रेंड्स आएंगे तभी कुछ इनका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हमने आज गाली खाली नहीं की, खाली करने का तो बोला सिक्योरिटी ने मेरे को, चलो ले आओ अंदर आपकी गाड़ी खाली हो जाएगी, लेकिन मैंने बोला ऐसे ही खाली नहीं करेंगे। अब तो भाई हमारा 25-28 हज़ार रुपये का डीजल गया है, तो उसकी भरपाई कौन कौन अभी करेगा। और देखिए अभी मैं गाड़ी हटा रहा हूँ यहाँ से, तो इसलिए सोचा कि पहले कल को अगर कुछ फरियाद बरियाद लिखना हो तो हमारे पास प्रूफ पड़ा हो तो अच्छा रहे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए गाड़ी की कनेक्शन, ये देखिए ताला नहीं खोला है, ऐसे ऊपर से ही ढक्कन को हटा दिया है। और ये देखिए इधर टायर के बाजू में भी डीजल गिराया है। ये गाड़ी कहाँ पड़ी है देख लीजिए लोकेशन आप, वो रहा गेट, गेट के बिल्कुल इतने आगे पड़ी है। और फिर भी ये कंपनी वाले बोलते हैं जिम्मेदारी हमारा कुछ नहीं है। और ये भी गाड़ी ऐसे ही पड़ी है, तो अभी हम हटा देंगे दोनों गाड़ी यहाँ से, और ये हम रख देंगे उधर। तो भाई आज सोमवार की सुबह हो गई, और हमारी गाड़ी अभी ऐसे ही पड़ी है, खाली नहीं किया है हम लोगों ने। तो फैक्ट्री वाले ने तो मेरे को बहुत बोला कल कि भाई चल तुम्हारा गाड़ी ले अंदर, खाली हो जाएगी, खाली कर दो, लेकिन खाली नहीं की है मैंने। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब तक मेरी गाड़ी का डीजल चोरी नहीं हुआ, उसका कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक गाड़ी खाली नहीं होगी। और हमारे से साथ है वो भी गाड़ी खड़ी है ऐसे ही, उसने भी भाई ने खाली नहीं किया है। तो अभी मैंने फ़ोन किया है बहुत से लोगों को, यहाँ के ड्राइवर एकता के, ड्राइवर एकता के प्रमुख है यहाँ के रणजीत सिंह, उनको भी मैंने कॉल किया, वीडियो भी भेज दी कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है इधर। तो उन्होंने भी बोला कि चलो मैं भी आ रहा हूँ। तो अभी वो इधर ही होंगे तो आएंगे, या फिर वो तो क्या ड्राइवर एकता के प्रमुख है, उनको तो कहीं भी जाना होता है, इसलिए यहाँ पे होंगे तो ज़रूर आ जाएंगे।
और भी मेरा एक फ्रेंड है यहाँ का, आदिपुर का ही मामा है मेरा, उसको भी फ़ोन किया कल, तो वो भी नहीं था घर पे इसलिए कल आया नहीं, अभी वो भी आज आ रहे हैं मामा भी। हाँ तो देखते हैं चलो क्या होता है आज हमारे साथ। तो भाई हमारी कच्छ एसोसिएशन की गाड़ी है, यूनियन की गाड़ी, और यहाँ पे कल भी 20-25 गाड़ी खाली हो के यहाँ से चली गई और आज भी इतनी गाड़ियाँ आ रही है। तो भाई इतनी गाड़ियाँ आ रही है फिर भी कोई भी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता है, सभी यही सोच रहे हैं अपना तो कुछ नहीं हुआ ना, तो सब स्वार्थी होते हैं, मतलब ही होते हैं, अपना अपना ही फायदा सभी लोग उठाते हैं, देखते हैं अपना अपना ही मतलब। तो फ्रेंड्स आज ये हमारे साथ हुआ, अगर इस फैक्ट्री में गाड़ियाँ तो ऐसे ही आती रहेगी, आज हमारे साथ हुआ तो कल को आपके साथ भी हो सकता है ये, तो मैं इसलिए ही बोल रहा हूँ कि भाई अभी जो हो गया वो हो गया, आगे हमारी कोई भी गाड़ी वाले भाई के साथ ऐसा ना हो, इसलिए ही खड़ा हूँ मैं अब तक यहाँ पर, क्योंकि आगे से जो भी प्रॉब्लम हो अच्छी हो जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही ना बने हमारे साथ। तो अभी देखते हैं कौन आता है मदद करने के लिए हमारी। तो भाई मंगलवार की शाम हो गई, शाम के 6 बज गए, अभी तक हमारी गाड़ी में डीजल जो चोरी हुआ है उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी मैं इसलिए गाड़ी यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो अभी आगे की जो कार्यवाही होगी देख लेंगे, वो इधर से जाने के बाद तो मेरे को बहुत फ़ोन आएगा कंपनी वाले का, ट्रांसपोर्ट वाले का, अभी जिसका भी फ़ोन आता है भले आए, लेकिन मेरी गाड़ी में डीजल जितना निकला है उतना मेरा पैसा नहीं मिला। तो अगर गाड़ी बात बेचने की आएगी, मेरी गाड़ी में कोयला लोड है वो भी अभी उतर जाएगा, बेच दूंगा, उसकी जो मेरे डीजल की भरपाई होती है उतना पैसा मैं रख दूंगा, और ऊपर का जो माल का पैसा होता है बिल टू बिल उतना जो पैसा होता है दे दूंगा मैं इनको। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी यहाँ से लेकर। देखिए कंपनी का गेट, कंपनी वाले भी देख रहे हैं, भले जिसको जो भी अभी देखना हो देख ले, वो जो भी करना है कर ले। तो भाई ये रहा देखिए कंपनी का गेट, और वहाँ पे हमारा गाड़ी खड़ा था ना, फिर भी हमारी गाड़ी में चोरी हो गया है। तो और ये फैक्ट्री वाला बोलता है जिम्मेदारी हमारी कुछ नहीं है, भाई तेरे गेट में खड़ी है तो तेरी क्यों नहीं है जिम्मेदारी,